में गंगा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां पर नहाने के दौरान 10 युवक नदी की तेज धारा में बह गए, जिनमें 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं और लोग गहरे पानी में जाकर हादसे को न्योता दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भागलपुर में बड़ा हादसा, नदी में बह गई 10 जिंदगी, हादसे को न्योता दे रहे लोग। सावन के पहले सोमवार पर देश के लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पित करने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच भागलपुर में गंगा स्नान के दौरान 4 युवकों के पानी के तेज बहाव में डूबने से हड़कंप मच गया। घटना नवगछिया के नारायणपुर स्थित मथुरापुर जहाज घाट की है, जहां गंगा स्नान के दौरान ये हादसा हो गया। सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा स्नान करते हैं और यहीं से गंगा जल लेकर देवघर के लिए निकलते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी कर रखी है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए और खुद अनुमान लगाइए कि क्या ये मौत को दावत देने जैसा नहीं है। प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए नदी में बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि कोई भी गहरे पानी में ना जाए, लेकिन कुछ लोग ना सिर्फ बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं, बल्कि बैरिकेडिंग पार कर गहरी नदी में नहा रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी के दिन ही भागलपुर के नवगछिया में बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 10 युवक बह गए थे, जिसमें कि 4 की मौत हो गई है। इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे। तस्वीर देखिए, ये अजगैबीनाथ धाम नमामि गंगे घाट की तस्वीर है और किस तरह से जो लोग यहाँ पर हैं वो बैरिकेडिंग को क्रॉस कर बीच नदी में स्नान कर रहे हैं। ऐसे में खतरा जो है वो हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। न्यूज 18 बिहार झारखंड आपसे अपील करता है कि प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग लगाई है उसके पार ना जाएं, नहीं करें ये गलती, बैरिकेडिंग के ऊपर ना चढ़ें, बैरिकेडिंग को पार ना करें, गहरे नदी में ना जाएं। नदी में इस वक्त पानी का स्तर काफी बढ़ गया है, पानी का बहाव भी काफी तेज है। यही वजह है कि जब युवक नदी में नहाने गए तो तेज धारा की चपेट में आ गए। इस हादसे के बाद प्रशासन ने 4 युवकों के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से गहरे नदी में नहीं जाने की अपील कर रहा है ताकि किसी भी तरह के खतरे से बचा जा सके। भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जुलाई